भारत रहस्यवादी सौंदर्य और विशिष्ट संस्कृति का देश है। हमारे देश में कुछ संस्कृतियाँ प्राचीन काल से अभी तक चलती आ रही है। विदेश में भारत अलग अलग संस्कृतियों और त्योहार के लिए काफी लोकप्रिय है। हमारे देश में जितने अलग संस्कृति और धर्म हैं, उतने ही अद्भुत मंदिर भी हैं। भारत में सभी धर्म के टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस देखने मिलते हैं और सभी धार्मिक जगहों की अपनी अलग विशेषताएं भी है, जिस कारण इंडिया को लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। जितने भी टेम्पल्स है उससे धार्मिक विशेषता तो जुड़ी ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेम्पल्स का निर्माण क्यों किया था? जैसे आप जानते हैं कि हर स्टेट में पहले किंग्स का पावर चलता था। पास्ट के जो किंग्स थे उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे। उसके वक्त ड्राउट यानी अकाल के दौरान लोगों को काम देने के लिए टेम्पल्स बनाए गए थे। उसके सिवा जानवर और स्थानीय लोगों को मुसीबत के दौरान सुरक्षित रूप से रख सके इसीलिए भी टेम्पल्स बनाए थे। इसीलिए प्राचीन काल के टेम्पल्स काफी भव्य है, जिसमें एक साथ काफी लोग रह सकते हैं। टेम्पल से धार्मिक मान्यताओं के साथ ये भी वजह जुड़ी है। आपने देखा होगा कि पुराने टेम्पल्स की खास विशेषता है कि इनके आर्किटेक्चर्स बहुत ही खूबसूरत होते थे। राजाओं ने अपने महल की तरह टेम्पल्स भी काफी रॉयल बनाए थे, जिनकी कलाकृतियाँ अभी भी मनमोहक लगती है। भारत के कुछ टेम्पल्स काफी लोकप्रिय है और कुछ टेम्पल्स बहुत रिच भी है। ऐसे ही एक रिच टेम्पल के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, जो सिर्फ भारत में नहीं तो पूरी दुनिया में रिचेस्ट टेम्पल जाना जाता है। ये टेम्पल पूरे दुनिया में रिचेस्ट होने की क्या वजह है, चलिए अब देखते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केरला के तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। पहली बार ये टेम्पल 6th सेंचुरी में बनाया गया था। बाद में ट्रेवनकोर के राजा ने 10th सेंचुरी में इस टेम्पल को और बढ़ाया। इस टेम्पल में हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु को पूजा जाता है। इसके सिवा इस टेम्पल में 6 कलारस है, जिस कारण ये काफी लोकप्रिय है। इस टेम्पल के 6 कलारस में सालों पुराना खजाना और गोल्ड जैसी अनमोल चीजें हैं। साल 2011 में रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने पिटीशन फाइल किया था कि इस मंदिर का अननोन ट्रेजर सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पल राजाओं के युग में बनाया गया था। हो सकता है कि काफी धन इस टेम्पल में रह गया हो। जब सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने इस टेम्पल पे अपना काम शुरू किया, तब 6 कालारस को ABCDE और F ऐसे नाम दिए गए और इस टेम्पल के डोर्स आयरन से बनाए गए, जिस कारण इन डोर्स को खोलना ऑफिसर्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम था और इसमें जो कुछ मिला वो इंसान के कल्पने से परे था। सारे 6 कालारस में पुराने जमाने की गोल्ड कॉइन्स, जेमस्टोन्स, बड़े डायमंड नेकलेसेस जैसी पुरानी चीजें मिली। ऐसा कहते हैं कि इस टेम्पल में एक बार आक्रमणियों ने खजाना लूटने की कोशिश की तो उसमें से विशाल जहरीले सांप निकले थे। इसीलिए टेम्पल के बी वॉल्ट यानी कालाराम में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। लोग वहां प्रवेश ना करें, इसीलिए बी वॉल्ट के वहां आयरन डोर बनाया गया है, जिस पे सांप के यक्षी बनाए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि यहां पे जाना खतरा है। इस टेम्पल में पुराने जमाने के अनमोल चीजें होने के कारण ये वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है और इस टेम्पल के मॉन्यूमेंटल आइटम्स की कॉस्ट 1.2 लाख करोड़ है, जो बाकी टेम्पल्स के मुताबिक काफी ज्यादा है। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।